लाइक like, और शिक्षार्थियों से कहती है फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए यहाँ पे तीन भाषाओं की बात हुई है एक भाषा अध्यापक यानी जो लैंग्वेज के टीचर है वो कह रही है अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं क्या करती हैं अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं उन्होंने इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाई अब देख रहे हो ये अंग्रेजी की बात हो रही है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पैडोलॉजी सेम आ रही है ट्रांसलेशन में तो इवन सभी लैंग्वेज की तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट सबका सेम है सिलेबस सारी लैंग्वेज का सेम है अगर पैडोलॉजी का देखेंगे तो तो एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है यानी इंग्लिश में कहानी सुनाई फिर बच्चों को कहा शिक्षार्थियों को कहा कि उन्हें जो भी भाषा आती है यानी जो भी उनकी मदर टंग है मातृभाषा है सहजात भाषा है जो भी उन्होंने घर से उठाई है भाषा यानी अर्जित की है उसमें वो कहानी एक समूह में अपने ग्रुप को सुनाए ठीक है जितनी उन्हें समझ में आई है अंग्रेजी से अपनी भाषा में उस कहानी को सुनाना है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएंगे फिर उसके बाद तीसरी भाषा आएगी कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए अब कक्षा की सामान्य भाषा यहां पे सिंपल है कि अंग्रेजी ही, ही होगी क्योंकि टीचर किस भाषा में बात करेंगी जो कक्षा की सामान्य भाषा है ठीक है ना तो यहां पे अलग भी हो सकते हैं बट मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है यानी कई भाषाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं और बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को यानी इस पेडागोजिकल टेक्निक को किस रूप में जाना जाता है पहला ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षण यानी इसको मल्टी टीचिंग कहेंगे भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे यानी जैसे आप बड़े होते हैं और भाषा को आप अर्जित कर लेते हैं अपने परिवार से बोलना सीख लेते हैं मम्मी पानी दे दो पहले तुतला के बोलते हैं या फिर सही बोलने लगते हैं एक शब्द से दो शब्द जोड़ के पर भाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग या फिर बहुभाषा नीति यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी फटाफट से बताओ इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है इस मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी से भारत में भाषा नीति को क्या कहा जाता है इसके बाद मैं ये क्वेश्चन एक बार लिख दूंगी बोर्ड पे मुझे बात करते करते याद आ गया और ऐसा बहुत बार होता है जब हम क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है हम लिमिटेड सॉल्व कर रहे हो बट कॉन्सेप्ट हमारे बहुत सारे क्लियर हो ही जाते हैं ठीक okay. है ये वैसे गलत नहीं है पूरी तरह से बट यहाँ पे ये यह गलत है क्योंकि अगर थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो हम इसके साथ जा सकते थे और बहुभाषा शिक्षण नहीं कहेंगे इसको बहुभाषा तकनीक कह सकते हैं एक तरह से खैर अगर हम बात करें यहाँ पे भाई बच्चे कई भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं इंग्लिश में कहानी सुनाई गई उन्होंने अपनी भाषा में बच्चों ने एक दूसरे को सुनाई फिर कहा गया कि जो सामान्य भाषा क्लास की चाहे वो इंग्लिश हो या जो भी है उसमें कहानी सुनाओ तो कई भाषाओं का प्रयोग हो रहा है बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग हो रहा है इस टेक्निक को पर भाषा व्यवहार या अंग्रेजी में क्या कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग देखो ये इंग्लिश पैडोगॉजी से ही सब ट्रांसलेट हो, हो के आजकल पैडागॉजी के क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के तो इसलिए जिनको इंग्लिश के टर्म्स जरूर पता होने चाहिए आपको ट्रांस लैंग्वेजिंग ट्रांस लैंग्वेजेस देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर हुआ है कहीं ना कहीं तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो पर भाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे जिसमें आप आसानी से एक से एक भाषा दूसरी भाषा की तरफ जा सकते हैं बहुभाषा तकनीक की का एक एक पहलू है एक है मल्टीलिंग टीचिंग का अब यहां पे मल्टीलिंग टीचिंग ठीक है बहुभाषाएं तो यूज हो रही हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्म बताना है तो एग्जैक्ट टर्म अगर हमारे पास है जो हमसे एग्जैक्टली exactly पूछा गया है तो हम उस पर जाएंगे ना डायरेक्ट है ना हम अगर हमसे कहा गया है दो दुनिया कितने होते हैं तो हम सीधा चार कहेंगे ना हम ये नहीं कहेंगे चार ऐसे बनता है एक एक को चार बार जोड़ते हैं तब चार बनता है 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 पे डायरेक्ट लिखा हुआ उन्होंने उन आप कह रहे हैं ना लेकिन हम हमारे से रिक्वायरमेंट क्या है वो है डायरेक्ट आप वो टर्म बताइए क्या आपको वो डायरेक्ट टेक्निक पता है तो वो है परिभाषा व्यवहार इस पर कई क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए हैं दो में भी पूछे गए थे इस पर मैं एक दो क्वेश्चन आज भी कराऊंगी तो ये थर्ड है भाषा अर्जन होता है जब आप भाषा को एनवायरमेंट से उठा लेते हैं जैसे आपने अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लिया समेट लिया आपको बोलना आ गया इधर उधर से सुन के किताब की जरूरत नहीं पड़ी बहुभाषा शिक्षण में आप कई भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं तो उसी का एक पहलू है एक तरह से बहुभाषिक नीति यानी नीति की तो यहां बात नहीं हो रही ये टेक्निक पूछी थी हमसे पॉलिसी कौन सी है ये थोड़ी पूछा था अब पॉलिसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है पोल भी देना साथ में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ कि भारत की शिक्षा नीति भाषा शिक्षा नीति कौन सी है भारत में भारत में पूछा जा चुका है पहले भारत में भाषा नीति को यानी लैंग्वेज पॉलिसी को क्या कहते हैं बताना एक भाषा नीति को क्या कहते हैं सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ तो हिंदी लिखने की प्रैक्टिस इतनी कम हो गई है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारत में भाषा नीति को क्या कहते हैं या क्या नाम है दिख पा रहा है यहां तक कहते हैं बताइएगा फटाफट चार ऑप्शन अगेन है ना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है बहुभाषिता सेकंड ऑप्शन मातृभाषिकता भाषा सूत्र या फिर मानक भाषा फटाफट से बताओ भाई भारत की जो भाषा नीति है जिसको हम लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं वो हम जो फॉलो करते हैं स्कूल्स में या एजुकेशन सिस्टम पूरा जो फॉलो करता है वो है त्रिभाषा सूत्र जिसको थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला कहते हैं और ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला की बात कहां हुई है एक क्वेश्चन भी आता ही है आजकल पिछले दो तीन साल में अगर आप देखेंगे ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात आपका कोठारी आयोग की एक पॉलिसी थी नाइनटीन सिक्सटी वाली और उसमें इसकी बात हुई है कि तीन भाषाएं आप पढ़ाइए मदर टंग जो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक और कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज खैर इस पर हम आएंगे अभी एक क्वेश्चन और आएगा इस तरह का तो भारत की लैंग्वेज पॉलिसी को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं इसको ही हम ध्यान में रखते हैं इस पर बवाल भी हुआ था साउथ में क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा एक बार ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर टू कहता है कक्षा सात की अध्यापिका यानी क्लास सेवन की टीचर हैं जो जोड़ियों में यानी पेयर्स में जोड़ों में मतलब दो दो के बच्चों का मान लीजिए तीस बच्चे हैं पंद्रह पेयर बना दिए दो दो बच्चों का एक पेयर ठीक है ना ग्रुप नहीं कहेंगे ग्रुप में दो से अधिक लोग होते हैं ठीक तो जोड़ियों अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को दस वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए दिया जाता है पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती हैं यानी दो बच्चे हैं उसमें से बच्चा ए है जो पहला वाक्य पढ़ रहा है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है यानी ए ने वाक्य पढ़ा और बी ने लिखा बी ने राइट किया और ए ए ने ने रीड किया सिंपल है है पढ़ा पढ़ा लिखा जो पढ़ा गया मान लीजिए मैंने लिखा आ, मैंने पढ़ा वाक्य श्रोत लेख और आप लिख रहे हैं वाक्य श्रोत लेख ठीक तो ऐसे हो रहा है पंद्रह जोड़े या जितने भी जोड़े हैं क्लास में अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है अब दूसरा कोई ग्रुप है दूसरा कोई पेयर है सॉरी अब वो एक बच्चा है वहां पे एक लाइन पढ़ेगा दूसरी बच्ची उसको लिखेगी और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं इस गतिविधि को क्या कहते हैं यानी अब वो चेक कर रहे हैं कि सही लिखा है कि नहीं जो बेसिक जो कहानी थी उसके हिसाब से सही भी है कि नहीं है अब ये डिक्टेशन तो है क्योंकि जब आप स्पेलिंग चेक कर रहे हो या देख रहे हो कि मैच हो रही है चीजें या नहीं जिसको हम आम भाषा में इमला कह देते थे कि बचपन में टीचर या माँ बाप हमारे बोलते थे कि ये लिखो वो बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं ताकि हमारी वर्तनी की अशुद्धियां ठीक हो सके वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स क्लियर हो सके है ना तो ये श्रुत लेख है कि सुन के डिक्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में सुन के लिख रहा है बच्चा हाँ ये तो हो रहा है श्रुतलेख श्रुतलेख ये दोनों तो हटा देंगे पारस्परिक लेखन पारस्परिक लेखन ये नहीं है कि एक लिख रहा है फिर दूसरा लिख रहा है यहाँ पे बोलने की भी बात हो रही है सुन के लिखने की बात हो रही है तो इसलिए डिक्टेशन या श्रुतलेख तो जरूर आएगा ठीक पारस्परिक श्रवण सिर्फ सुनने की बात नहीं हो रही लिखने की भी हो रही तो है, सुनना और लिखना साथ में है डिक्टेशन। तो या, सिर्फ की बात है या नहीं कहानी की बात हो रही है फिर दूसरा लिखेगा दूसरा बोल रहा है फिर पहला लिखेगा तो सुन करके लिखा जा रहा है तो यहां परस्पर चल रही है क्रिया यानी रेसिप्रोकल प्रोकल है अपने पीयर्स में वो कभी एक लिख रहा है कभी दूसरा तो ये पारस्परिक श्रोत लेख है जो दो लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में चल रहा है या पेयर्स के बीच में क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं ये क्वेश्चन भी पता नहीं अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा जा चुका है लगभग हर बार आता है अब तो ये है ना कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन यानी डेली एक्टिविटीज के लिए हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जाएगा इंग्लिश में भी डेली एक्टिविटीज के लिए फोन किया किसी को अरे भाई क्या हालचाल है क्या चल रहा है दिन प्रतिदिन डेली यूज है लैंग्वेज का आमने सामने अंत क्रिया के लिए इंटरक्शन के लिए दोस्त से मिले और भाई क्या चल रहा है आजकल फिर वो कहेगा क्या चल रहा है ये चल रहा है वो चल रहा है कुछ भी दुनिया भर की बातें करेगा वो आमने सामने की अंतः क्रिया सोशल इंटरेक्शन है ना मम्मी से मिले मम्मी ने कहा हाँ और क्या पढ़ाई की आज टीचर से मिले नमस्ते किया वॉट एवर ग्रीट किया उनको ठीक दो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं बातें कर रहे हैं आपस में तो डेली लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं इस अंत्य क्रिया को क्या कहेंगे सिंपल है 43 परसेंट लोग सही जवाब दे रहे हैं बिक्स कहते हैं अंग्रेजी में अब आपको पता है अगर बिक्स नहीं पता किसी को तो हिंदी हिंदी का हम बहुत वो करते हैं ना कि यार सिर्फ हिंदी में पढ़ो या तो भाई आजकल सिस्टम ही ऐसा है कि आपको टर्म्स इंग्लिश में भी पता होने चाहिए और इवन ट्रांसलेशन में कई बार भाव गलत हो जाता है तो अगर आपने प्रॉपरली ठीक से पढ़ लिया है इंग्लिश के टर्म्स को तो वो हेल्प करेंगे बुनियादी व्यक्तिक संप्रेषण कौशल बिक्स जिसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल क्योंकि इसका नाम ही है इंटरपर्सनल तो अंतर्व्यक्तिक यानी अंत क्रिया ही होगी इसमें बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स यानी वो स्किल्स जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत में यूज कर रहे हैं फोन पे बात करना सामने बात करना अपनी बात को कहना दूसरे की बात को समझना ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं बिक्स कहलाती हैं जिसमें बातचीत की बात आएगी इसका ऑपोजिट हो जाता है कैल्प यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं बट इससे डिफरेंट है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्नेटिव एकेडमिक प्रोफिश लैंग्वेज प्रोफिशियंसी यानी जब आप भाषा का इस्तेमाल डेली नहीं जो ज्ञान के सृजन के लिए कर रहे हैं

अंतर्व्यक्तिक भाषा निपुणता संप्रेषणात्मक भाषा कौशल ये देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट टर्म जब है तो हम इसके साथ क्यों जाएंगे है ना एक को चार बार जोड़ के क्यों दिखाएंगे जब दो दूनी चार डायरेक्ट लिखा हुआ है फोर देखिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर फोर कहता है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री मिडिल स्तर पर मतलब बोले तो कक्षा छह से आठ के बीच में है ना आपका पेपर वन हो पेपर टू हो लैंग्वेज वन हो लैंग्वेज टू हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इस तरह के जितने भी सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कर लेते हैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व है क्योंकि टॉपिक से क्वेश्चन बार बार सामने आएंगे सिलेबस लिमिटेड है लैंग्वेज का मिडिल स्तर पर अध्यापन और जो आपने सी में पढ़ा है वो भी यहाँ काम आएगा तो मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी छोटी कहानी पठन के लिए देती है एक छोटी सी स्टोरी दी कि पढ़ो सिक्स टू एथ के बच्चों के लिए और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से यानी जस्टिस के पावर के इन सबके व्यू पॉइंट से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो कि ये पाठ्य सामग्री कहना क्या चाहती है कोई न्यूज आर्टिकल दे दिया कोई स्टोरी दे दी और कहा गया कि जस्टिस हो रहा है क्या इसमें वो कौन सी कहानी होती थी जो बचपन में नहीं होती थी दो बैल थे और एक वो बैल प्रेमचंद की आई थिंक कोई कहानी है ठीक तो अब उसमें आप सोचते हो कि यार इसने इसके दोस्त ने सही किया कि गलत किया है ना आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है दिमाग पर जोर डालेंगे अब आप है ना क्या जस्टिस हुआ अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है समालोचनात्मक भाषा विकास कर रही है टीचर इसके माध्यम से उच्च स्तरीय भाषा कौशल है ये है ना समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है या समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है अब ये ऑप्शंस ने क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया अदरवाइज क्वेश्चन आसान था क्योंकि सोचने की बात हो रही है अलग अलग व्यू पॉइंट अलग अलग परिपेक्ष से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं तो यानी समालोचनात्मक चिंतन तो हो रहा है बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग जो शताब्दी के कौशलों में आता है जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति भी कहती है तो समालोचनात्मक भाषा विकास कराने की कोशिश है उच्च स्तरीय भाषा कौशल है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है किसका विकास करने की बात कर रही है देखो अगर आप देखेंगे तो ये एक टर्म है एग्जैक्ट टर्म है अब ये टर्म वाला क्वेश्चन हो जाता है कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आंसर होगा समालोचनात्मक साक्षरता कौशल यानी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स इंग्लिश में कह देते हैं आता है और क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स यानी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है बच्चे की और वो लिटरेसी भी बेहतर हो रही है यानी अब वो इसका अर्थ निकालना इस पर विचार करना इस इसपे रिफ्लेक्ट करना इस पर चिंतन करना क्या सही है क्या गलत है हर एक पहलू से देखना किसी चीज को है ना तो ये स्किल्स में अपने आप भाषा विकास हो जाएगा कौशल इसके अंदर होंगे बच्चे में तभी वो समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वो भाषा कौशल है ठीक समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र ये पेडागोलॉजी थोड़ी है कि उसको बच्चे को थोड़ी पढ़ाना सीखना है यहाँ पे उसका तो सिंपल साक्षरता कौशल है कि वो लिटरेसी सीख रहा है साक्षर हो रहा है इस चीज में कि अलग अलग व्यू पॉइंट से कैसे किसी चीज को देख पाते हैं तो समालोचनात्मकता समालोचनात्मक साक्षरता कौशल इसको हम कहते हैं आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव फटाफट से देखेंगे और समझेंगे जवाब देंगे अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर कहता है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और चार विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी वो प्रोक्सीमोडिजिटल जो दायरा है अब आपने जो भी जी में पढ़ा है वो का विद्यार्थी दोनों साथ में कर रहे हैं किसी काम को जहां जरूरत पड़ रही है टीचर से पूछ रहे हैं टीचर अपने विचार बता रहे हैं किसी एक पाठ को लेकर बच्चे अपने विचार यानी चर्चा परिचर्चा हो रही है यानी सहयोगात्मक अधिगम समूह यानी कोऑपरेटिव एक ग्रुप बना हुआ है जहां कोलैबोरेट करके साथ में टीचर बच्चे से बच्चे टीचर से सब मिलकर के सीख रहे हैं इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में पारस्परिक शिक्षण कहेंगे और ये रीडिंग में बहुत काम आता है संरचनात्मक उपागम नहीं है कि आप संरचना देख रहे हो कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी सेंटेंस को बल्कि यहाँ पे समझ की बात हो रही है मॉडल पठन होता है कि मॉडल रीडिंग जिसको कहते हैं टीचर ने पढ़ के दिखाया अच्छे से उच्चारण के साथ और बच्चे फिर उस चीज को वैसे ही पढ़ रहे हैं वो नहीं है ये यहाँ पे यहाँ पे समझ की भी बात हो रही है बच्चे की समझ बेहतर हो रही है क्योंकि टीचर और बच्चे साथ में मिलकर सीख रहे हैं मोर नॉलेजेबल अदर समीपस्थ दूरस्थ विकास जो आपका मान लीजिए आप खुद से यहां तक जा सकते थे लेकिन टीचर के सहयोग से आप यहां तक पहुंच जाएंगे अब ठीक है ना तो पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग बच्चे टीचर से सीख रहे हैं टीचर बच्चे से सब आपस में जहां जिसको जरूरत पड़ रही है अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं परस्पर शिक्षण हो रहा है